समझे? आगे बढ़ू मैं? अब आगे चले, छत्तीसगढ़ में याद रखना है हमको क्या? राम वन गमन पथ। क्या पढ़ना है अपन को? तो हमको पढ़ना है राम वन गमन पथ। अरे यार सुनो, तो छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ। अरे यार सुनो, अब छत्तीसगढ़ में ही क्यों बना राम गमन पथ? तो ये माना जाता है कि लगभग लगभग 10 वर्ष वनवास का कहां पे गए हैं ये लोग? व्यतीत किए, इसलिए छत्तीसगढ़ में ही क्या बन रहा है आपके लिए? राम वन गमन पथ। और 4 साल में उन लोग आए, वहां भी गए थे श्रीलंका। श्रीलंका जाके वापिस भी तो आए क्या? तो 2 साल जाना नहीं, 1 साल जाना 1 साल आना, और 2 साल लड़ाई झगड़ा किए, 4 साल खत्म, 10 साल जो बच गए इधर ही। अरे यार सुनो, तो देखिए अगर इसका आधार मिला होगा तो कोई ना कोई तो आधार होगा क्या? तो हमारे पास एक जन आदमी है, डॉक्टर हेमू यदु। कौन है आपके लिए? डॉक्टर हेमू यदु। इन्होंने एक बुक लिखा, उस बुक का नाम है छत्तीसगढ़ पर्यटन में। ये एक्चुअल में बुक का नाम है, इसी बुक को बेस बनाया गया, और इसी बुक में जानकारी मिला है किसका आपके लिए? 75 स्थलों का। ये बुक आने वाले टाइम में पूछ सकता है कि इसके द्वारा कौन सा बुक लिखा गया, या बुक का नाम देखे पूछ सकता है इसका राइटर कौन है। क्लियर जी? पहला आदमी कौन है आपके लिए? डॉक्टर हेमू यदु। दूसरा याद रखना, मन्नू लाल यदु। कौन है आपके लिए? ये मन्नू लाल यदु जी ने भी एक किताब लिखा, एक रचना लिखा है। इस किताब का नाम है आपके लिए दंडकारण्य रामायण। क्या लिखा है इन्होंने? ये दो आपके लिए बेस हैं। ये दो बेस के आधार पे आपके लिए छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ बनाया गया है। क्लियर जी? गए हो चंदखुरी? चंदखुरी गए हो? जाना, बहुत भयंकर सुंदर बना दिए, और अभी मत जान, ठार गर्मी है, कुछ नहीं मिलेगा वहां तो। थोड़ा बढ़िया पानी उनी गिर जाए उसके बाद जाना, मतलब पूरा आजू बाजू में। अभी लिखता हूं, इधर थोड़ा सा लिखूंगा उसके बारे में, तब तो पता चलेगा। क्लियर जी? तो आपको याद रखना राम वन गमन पथ। क्या याद रखना? अब देखिए आधी चीजें हम पढ़ चुके हैं, बस मेरे को बताना है। क्लियर जी? सबसे पहला जगह याद रखना आपको कौन सा? सीतामणि हर चौका। कौन सा जगह आपके लिए? सीतामणि हर चौका। दूसरा जगह कौन सा है जी हमारे लिए? रामगढ़ की पहाड़ी। क्या है आपके लिए? रामगढ़ की पहाड़ी भी पढ़ डाले क्या अभी? सीता बेंगरा लक्ष्मण बेंगरा जी। ठीक है, आगे बढ़े क्या जी? तो रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी के बाद अपन सीधा पहुंच गए कहां? सबरी नारायण। कहां पढ़ गए अपन? तो आपको याद रखना सबरी नारायण, शिवरी नारायण। अरे यार सुनो, पहले जो करिया कलर का वो आता था, जो बोर्ड आता था उसको, उसका कलर चले जाता था, किससे करते थे बताओ? है एक भेंगरा का वो आता था, भेंगरा भेंगरा एक तो पौधा आता था, सर हम लोग को ठेका देते थे। मैं सरकारी स्कूल से पढ़ा हूँ पूरा, उसके बाद भेंगरा भेंगराज बोलते हैं ना उसी को, हाँ उसका पौधा होता है, वो पौधा खोजने जाते थे हम। उसके बाद वो जो लकड़ी का कंडा होता था ना, हाँ कोई कोयला, जो लकड़ी का कोयला होता है जिसको अंगरा बोलते हैं ना, अंगरा होने के बाद पानी डालने के बाद जो कोयला बचता है ना, उसी कोयला पूरा कुचरते थे, और जो भृंगराज होता है ना, भृंगरा बोलते हैं, उसी में दोनों को मिलाते थे। उसके बाद वो पूरा बोर्ड होता था, उसमें छापते थे अपन। उसके बाद वो एकदम जबरदस्त कलर, पहले टाइप की, पहले पेंट वेंट तो एफर्ट नहीं कर पा रहे सरकारी स्कूल में, और आता भी होगा तो हमको थोड़ा ना पता, बचपन से करप्शन है। क्लियर? आपको याद रखना शिवरी नारायण। क्या याद रखना? तो आपको याद रखना भाई शिवरी नारायण, शिवरी नारायण, शिवरी नारायण के आगे चले, अगला जगह आपके लिए तुरतुरिया। कौन सा जगह आपके लिए? कौन सा जगह आपके लिए?
तुरतुरिया के बाद अगला जगह है चंदखुरी, कौन सा जगह है आपके लिए, कौन सा है आपके लिए। उसके बाद याद रखना धमतरी, धमतरी में कौन सा है आपके लिए, श्रृंगी ऋषि आश्रम। इसमें कौन सा जगह है आपके लिए, बिहावा पर्वत, क्या है आपके लिए। उसके बाद कौन सा जगह है आपके लिए, धमतरी में लोमेश ऋषि आश्रम पड़ता है, यहाँ लोमस ऋषि आश्रम है, में फर्क है। इसमें धमतरी में क्या था आपके लिए, लोमेश ऋषि, और यहाँ क्या आपके लिए, क्लियर जी। उसके बाद आठवां क्या याद रखना अपन को, जगदलपुर, क्या याद रखना है, क्लियर। ये आठवां, और आठवां के बाद याद रखना है कौन सा आपके लिए, नौ जगह हो गया, आप दसवां जगह अपन पढ़ चुके हैं, कहाँ है रायपुर जी, ये अभी का लेटेस्ट रिपोर्ट है बजट के बाद का, तो अभी दसवां प्लेस के लिए भी इसको भी अपन सौंदर्यीकरण करेंगे करके चल रहा है, तीन जगहों का सौंदर्यीकरण हो चुका है। कौन कौन सा जगह है जी, पहला जगह आपके लिए कौन सा, चंदखुरी, दूसरा जगह कौन सा आपके लिए, शिवरी नारायण, और तीसरा जगह है आपके लिए कौन सा, राजिम। क्लियर, ये है भाई आपके लिए छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थल, क्लियर जी, इतना ही पढ़ लेना। क्लियर, मजाक मजाक में 12 पेज हो गया ना, मैं नहीं चाह रहा था कि 12 हो जाए करके, लेकिन अब कैसे करूं, हो गया तो ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्या अब हमको याद रखना है, क्या महाभारत कालीन स्थल, क्या याद रखना है, तो अब आपको याद रखना है महाभारत कालीन स्थल, तो महाभारत काल का भी थोड़ा थोड़ा अपन कहां कहां पढ़े थे ये बस बता दो मेरे को, महाभारत रुको, सबसे पहले महाभारत काल, महाभारत काल में सबसे पहले याद रखना छत्तीसगढ़, क्या याद रखना, छत्तीसगढ़। अरे यार सुनो, छत्तीसगढ़ को उस टाइम में क्या बोलते थे, प्राग कोसल, क्या बोलते थे अपन, क्या बोलते थे अपन, तो आपको याद रखना प्राग कोसल। अरे यार सुनो, और ये प्राग कोसल पे आपके लिए कोसल जनपद हुआ करता था, ये कोसल जनपद में, और ये कोसल जनपद को आपके पास वो थे क्या, अंगराजकर्ण, सहदेव, कौन था आपके लिए, सहदेव द्वारा जीता गया था, कौन सा जगह आपके लिए, कोसल जनपद। अब कोसल जनपद उस टाइम में छत्तीसगढ़ को क्या बोल रहे हैं अपन, आपको पूछता है कि छत्तीसगढ़ के उसमें बोल रहे हैं दक्षिण कोसल, अभी अपन यहां क्या बोल रहे हैं, क्लियर जी। अब आपको याद रखना बस्तर, क्या याद रखना, बस्तर को यहां बोल रहे हैं क्या, कंतार, क्या बोल रहे हैं अपन, या इसी को बोल रहे हैं महाकंतार, क्या बोल रहे हैं अपन, क्लियर जी। आपको याद रखना बस्तर, क्या याद रखना, आपको ये चीज पूछ सकता है, क्लियर। आगे बढ़ेंगे, आपको याद रखना महाभारत काल, क्या याद रखना,
महाभारत काल, महाभारत काल में अपन कुछ जगह पढ़े, चलिए बताइए सीधा जगहों पे डील करता हूं मैं, कौन कौन से जगह हैं भाई बताइए। हाँ बता। हाँ देखिए, अगर आप छत्तीसगढ़ में महाभारत कालीन स्थल पढ़ोगे तो पांच हमारे पास मुख्य महाभारत कालीन स्थल पढ़े। अरे या सुनो, एक जगह पढ़े थे खल वाटिका। क्या पढ़े थे अपन? क्या पढ़े थे अपन? खल वाटिका पढ़े थे क्या? तो आपको याद रखना खल वाटिका। क्या याद रखना? आपको याद रखना, इसी को बोलते हैं खल्लारी। क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं अपन? क्लियर जी। दूसरा दूसरा जगह याद रखना हमको कौन सा? सिरपुर लिखेंगे, पहले खल वाटिका के बारे में पढ़ लेते हैं। खल वाटिका क्या था जी हमारे लिए? क्या था आपके लिए? लाक्षागृह। क्या था आपके लिए? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लाक्षागिरी पर्वत। क्या बोलते हैं अपन? तो हमको याद रखना लाक्षागिरी। अरे या सुनो, इसी में क्या हुआ था? दुर्योधन द्वारा आपको याद रखना दुर्योधन, अरे या सुनो, दुर्योधन ही तो बुलाता है क्या आपके लिए? लाक्षागृह बनवाता है, लाख से बनवाता है, बताया था क्या? लाख के क्या होता है? ये तीनों से बनता है क्या लाख? तो उसी लाख से क्या बनाया गया था आपके लिए? लाक्षागृह। क्या बनाया गया था आपके लिए? अब लाक्षागृह में दुर्योधन बुलाता है क्या पांचों पांचों में? आई हैव इन्वाइटेड टू ऑल यू पीपल दैट यू विल कम इन डिनर, बेस्ट डिनर, रोस्ट वाला। अरे या सुनो, और रोस्ट मतलब उन्हीं गुंजेंगे करके बुला देते हैं। अरे या सुनो, जगह कौन सा रहता है आपके लिए? खल वाटिका। अरे या सुनो, लाक्षागिरी रहता है ना, तब यही तो आपके लिए भगवान जो श्री कृष्ण रहते हैं आपके लिए, उनको अर्जुन को बता रहते हैं कि अगर नहाने जाते हैं तो दोनों को पानी में बुड़ते हैं, तो बोलते हैं कि कछुआ जो होता है, मान लो अगर घर के बाहर से नहीं निकल पाते, क्या करता है? जमीन कोड़ के बाहर निकल जाता है करके। अब अर्जुन मोला कहा बताओ था चे का मतलब कि कौन से पीएससी में आ जाए करके। थोड़ी देर बाद होता है कि अगले दिन जाने के बाद यहाँ क्या लगा देते हैं? लाक्षागिरी में आग। तब इसी जो घर के अंदर से कोड़ की निकलते हैं उन लोग दूसरे जगह, तो आपको एक सुरंग मिलता है ना यही से, लेकिन भूम तो थोड़ा दमदार आदमी था, हल्का का बाप। अरे ऐसे ना, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से काम करता है वो। अरे या सुनो, जितना क्रिया उतना विपरीत प्रतिक्रिया, जोर से ऐसे कूदता है लेकिन न्यूटन बोलता है नहीं मैं हूं, तुम होगे भीम। गुरुत्वाकर्षण के बल के हिसाब से नीचे आते, जजरंग से गोल नीचे, भीम खो, यही तो मिला है क्या आपके लिए? तो पहला जगह आपके लिए क्या है? लाक्षागिरी। दूसरा जगह आपके लिए क्या है? भीम खो। क्या है आपके लिए? तो भीम खो में क्या मिला था? भीम के पैरों के निशान। ठीक है, आगे चलूं क्या? आपको याद रखना लाक्षागिरी। क्या याद रखना? आपको याद रखना अगला जगह है मेरे लिए सिरपुर। कौन सा जगह है? कौन सा जगह है? सिरपुर। अरे या सुनो, तो सिरपुर याद रखना। सिरपुर को क्या बोलते थे उस समय? चित्रांगपुर, इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिरपुर। क्या बोलते हैं अपन? तो जो सिरपुर है उसको आपके लिए महाभारत काल में क्या बोल रहे हैं? चित्रांगपुर। क्या बोल रहे हैं अपन? तो चित्रांगपुर, चित्रांगपुर कौन है? क्या चीज है आपके लिए? अर्जुन। और अर्जुन की वाइफ कौन है आपके लिए? चित्रंगना। कौन है आपके लिए? तो अर्जुन और चित्रंगना दोनों का पुत्र कौन है आपके लिए? भब्रुवाहन। कौन है आपके लिए? तो भब्रुवाहन की राजधानी क्या थी आपके लिए? चित्रांगपुर। और इसी चित्रांगपुर को आज हम लोग क्या बोलते हैं? सिरपुर। क्या बोलते हैं अपन? क्लियर जी। आपको याद रखना रायपुर। क्या याद रखना? तो आपको याद रखना आरंग। क्या याद रखना?
अब एक जगह आपके लिए है रत्नापुर, कौन सा आपके लिए? फिर गलती, आरंग नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे भांडेर। क्या बोलेंगे अपन? क्या बोलेंगे अपन? भांडेर उस टाइम में बोलते थे, अभी आरंग हुआ है ना ये, तो अभी जब हम लोग महाभारत काल पढ़ रहे हैं तो अपन भांडेर बोलेंगे। भांडेर को उस टाइम का भांडेर है जिसको हम लोग वर्तमान क्या बोलते हैं। अरे ये सुनो, तो आपको याद रखना मणिपुर, क्या याद रखना? क्या बोलते हैं अपन? तो आपको याद रखना मणिपुर, क्या याद रखना? इसी को बोलते हैं रत्नावली। क्या बोलते हैं अपन? क्या बोलते हैं? नहीं, रत्नपुर तो वो रत्नदेव के समय में, इस टाइम पे क्या बोलते थे अपन उसको? रत्नावली, ऐसी क्या बोलते थे। लेकिन अभी वर्तमान क्या है ये? रतनपुर। क्या है आपके लिए? क्लियर जी? हाँ, एक जगह और याद रखना है मल्हार। क्या याद रखना है? कौन सा जगह? तो आपको याद रखना मल्हार। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइट देखा जाए तो हमारे पास है पांच। कितना है हमारे पास? आपको याद रखना है आरंग। क्या याद रखना? ये आरंग का नाम आरंग क्यों पड़ा है भाई आपके लिए? है क्या बोले? हाँ, आरा से काटे थे ना अपन जी, तो आपको याद रखना आरा। क्या याद रखना? यहीं पे एक जन आदमी था आपके लिए, कौन आदमी? मोरध्वज। कौन था आपके लिए? क्या कौन था आपके लिए? मोरध्वज। मोरध्वज क्या है? राजा है। अरे ऐसा ना, उसी का बेटा है कौन आपके लिए? ताम्रध्वज। कौन है आपके लिए? ताम्रध्वज नहीं, जो मोरध्वज था ना, मोरध्वज बहुत बड़ा कृष्ण भक्त था। अरे ऐसा ना, अब आपके लिए रामायण महाभारत क्या हो चुका है? पूर्ण रूप से खत्म हो चुका है। अब महाभारत खत्म हुआ उसके बाद बोल रहे हैं श्री कृष्ण जी मेरे को रायपुर जाना है, रायपुर के पास आरंग जाना है। तो बोले आरंग में क्या खास बात है? तो बोले खास ये है कि वहां एक जन झकास आदमी रहता है, नाम है उसका क्या? मोरध्वज। क्या नाम है उसका? तो बोलते हैं मूल्य भी बड़े भक्त है। हाँ, तुल्य भी बड़े भक्त है। अर्जुन को भारी टेंशन आ गया, ऐसे कैसे? तो बोलते हैं उसका परीक्षा लेना चाहिए, पहली खाली कुछ भी हो गया परीक्षा लेना है। अरे ये सुनो, तो राम सॉरी कृष्ण जी और आपके लिए अर्जुन दोनों दोनों आते हैं, कृष्ण जी क्या बन जाते हैं? ऋषि मुनि। अरे ये सुनो, अर्जुन बन जाते हैं भगवा, फिर बन जा रहे लॉयन। अरे ये सुनो, उसके बाद दोनों दोनों को चल दी उसी घर, किसके घर? मोरध्वज के घर। और मोरध्वज को बोल रहा है आई हैव सम डिमांड्स, गाय, आई वांट सम बेस्ट फूड। बोले का चाहिए? गोश्त। बोले ठीक है, दिलवा देता हूँ, कहाँ का मांस खाने बता। तो राज्य के बेस्ट मांस चाहिए मोला करके बोल, जेल ना बोल तेल कटवा दूंगा। तो लैकल कटवा, काबर ही छप्पन वो खाक मोटा है भाई, एक नंबर दिखा हिला कटवा। अब ऐसे कैसे? अब वचन दे दे मतलब कुछ भी मांग देवे का कर। बोलते हैं अभी बोले थे कि नहीं जैन मांग रहे थे, या तो बोल नहीं दे सका हूं, या तो बोल कि हाँ कटवावा था कहीं। अब आदमी वचनबद्ध था, कटवाना पड़ा उनको कि अब मैं वचन दे दिया हूँ, बोल बदल नहीं सकता कर। क्लियर? अब उसी के सामने उसको आराम कटवा रहे हैं, अब उधर ताम्रध्वज भारी टेंशन में, मैं तो वचन नहीं दिया, मुझे क्यों कटवाया जा रहा है? काटे चूंकि आरा से काट रहे थे, उस जगह पूरा रंग रंग हो गया था, इसीलिए उस जगह का नाम क्या पड़ा आपके लिए? आरंग। क्या पड़ा आपके लिए? तो मैं भारी कंफ्यूज होता हूं ताम्रध्वज में और मोरध्वज में कि किसकी राजधानी कौन सी जगह है। क्लियर? क्लियर? तो मैं बोलता हूं मोर रायपुर, तो याद रखना मोरध्वज। क्या याद रखना? क्या याद रखना? तो मोरध्वज की राजधानी है कौन सी आपके लिए? तो आपको याद रखना मोरध्वज की राजधानी कौन सी जगह है आपके लिए? आपको याद रखना आपके लिए मणिपुर। तो ये आपके लिए किसका है? ताम्रध्वज का। किसका आपके लिए? ताम्रध्वज की राजधानी। तो आपको प्रीलिम्स में यही प्रश्न पूछता है किसकी राजधानी कौन सी है आपको, लेकिन ये चीज भी याद रखना है कि उस समय वो जगह को क्या क्या बोलते हैं, ये पेपर में पूछता है। क्लियर? आपको याद रखना मल्हार। क्या याद रखना? क्या याद रखना? मल्हार एक जगह है जहां पे आपको ऋषभ देव की जानकारी मिलती है। आप बोलोगे सर ऋषभ देव तो तीर्थंकर हैं, वो तो जैन धर्म में हमको पढ़ना चाहिए करके। अरे या सुनो, लेकिन इनकी जानकारी आपको महाभारत से भी होती है। भगवत गीता पढ़ोगे तो उसमें भी एक जगह आते हैं आपके लिए, कौन सा? ऋषभ तीर्थ। क्लियर जी? तो ऋषभ तीर्थ आप देखोगे तो गुंजी दमोदर हम पढ़े थे क्या, तो उसी से। आपको याद रखना मल्हार। क्या याद रखना? मल्हार में अनेक आपके लिए जैन मूर्तियां मिली है। सिरपुर और मल्हार दो ऐसे जगह हैं, और एक जगह है आपके लिए महेशपुर। कौन सा जगह है आपके लिए?
महेशपुर रिहंद नदी के किनारे सरगुजा पढ़े थे क्या? तो आपको याद रखना महेशपुर, आपको याद रखना मल्हार, आपको याद रखना सिरपुर, और एक जगह आपको याद रखना है मतकु द्वीप। कौन सा याद रखना है? इन सब जगहों से आप देखोगे तो शैव धर्म से संबंधित, वैष्णव धर्म से संबंधित, हिंदू धर्म से संबंधित, आपको हर एक धर्म से संबंधित आपको चीजें मिलेगी। तो इसलिए ये जगह अगर मेरे को एक दिन के लिए भी सीएम बनाए तो मैं पूरा जय माता दी। पहले तो सबसे पहले बोलूंगी या तो मल्हार को ना सिलेबस से हटाओ, या तो मल्हार को अच्छे से बनाओ। अरे यार सुनो, और दूसरा जगह सिरपुर, मैं खुद इतना जबरदस्त पढ़ा रहा था, मैं सिरपुर गया नहीं था, बता रहा हूँ। मैं पूरा दो दो मंथ लिख दिया, उसके बाद मैं गया कि हाँ मेरे को सिरपुर देखने जाना है, और मैं गया। मल्हार तो अभी गया, मैं मल्हार गया भी नहीं, और मल्हार तब जब मैं दो तीन बार मेंस लिख चुका हूँ, इंटरव्यू तक जा चुका हूँ, उसके बाद ये मेंस पढ़ा चुका हूँ, कई बैच 25-30 बैच पढ़ा चुका हूँ, उसके बाद मैं गया हूँ मल्हार, देखूंगा ये जगह, गया हूँ 5 मिनट में खत्म। बता रहा हूँ वो सुंग वंश में आ रहे हो, मित्र वंश में आ रहे हो, पांडु वंश में आ रहे हैं, या बौद्ध धर्म पढ़ोगे, जैन धर्म में पढ़ोगे, छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े पुरातात्विक स्थलों में एक स्थल पढ़ोगे, वो मैं गया हूँ, सब जैसा सामान जतर कतर पड़ा है, इसी धूप खा रहा है। नहीं एक संग्रहालय बनाए, संग्रहालय बनाए कम से कम रखो तो उसको अंदर में, इतिहास से हटाओ उसको, क्या मतलब ऐसे डालने का। लियर जी ऐसे जाग बड़ा बेकार लगा मेरे को वहां गया तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म, आपको याद रखना है जैन धर्म, सॉरी आपको याद रखना है रामायण काल, आपको याद रखना है महाभारत। कल हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे चीजें आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। कल हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध धर्म, हम लोग कल पढ़ेंगे जैन धर्म, हम लोग पढ़ेंगे कल महाजनपद काल, हम लोग कल पढ़ेंगे मौर्य वंश, क्लियर। और ऐसे पढ़ेंगे जो अब तक पढ़ते आ रहे थे वैसे नहीं, फिर बहुत सारा पढ़ेंगे। मैं पहले ही बता देता हूँ, आपके पास दो ऑप्शन है, चीजों को सीधे सीधे पढ़ लो, या तो आप क्वेश्चन अभी से प्रिपेयर करते करते चलो, ठीक है जी, लिखो क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में राम वन गमन का महत्व, छत्तीसगढ़ में राम वन गमन पथ का महत्व, क्या नंबर? छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थलों पर परिचर्चा, छत्तीसगढ़ में रामायण कालीन स्थलों पर परिचर्चा, चर्चा लेख जो लिखना है लिख लो, अब देखो इसमें 8 नंबर में लिखना है ना, तो क्या क्या चीजें लिखना है बहुत ध्यान से बता रहा हूं, सुनो। जब भी कभी अगर छत्तीसगढ़ में रामगमन पथ के बारे में, सॉरी रामायण कालीन स्थल के बारे में पूछेगा, आपको शुरू में कहां चालू करना है, रुको पहले ना इसको सेव कर लेता हूँ फिर लिखता हूँ। यही लिख दूँ एक पेज और बढ़ा के? देखिए भाई अपन को क्या पढ़ना है, देखना इसमें अपने ज्ञान का आपको वो नहीं दिखाना है प्रदर्शन, कई लोग भारी ज्ञानी बनते हैं फिर। दो अंक लिखने हैं मतलब कितना लाइन है आपके पास, देखिए भाई 3 लाइन में हमको क्या क्या कंटेंट लिखने हैं ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अरे यार सुनो,
जब कभी भी हम रामायण कालीन स्थलों के बारे में चर्चा करें तो सबसे पहले बताएं कि अपन टोटल कितना रामायण कालीन स्थल पढ़े, तो छत्तीसगढ़ में लगभग सभी स्थानों पर साक्ष्य क्या हुए हैं, प्राप्त हुए। पहला लाइन लगभग सब जगह हुए है ना, एक दो तो जिला नहीं मिला है तो उसको अपन को नहीं बोल सकते, क्लियर जी। तो लगभग सभी जिलों से या सभी जिलों से लिख दिए, हाँ ठीक है, रामायण कालीन साक्ष्य मिले उसके बाद आपको जो जो याद आएगा। ये किस में लिख रहे हैं अपन, तो दो नंबर में आपको किसी भी एक जगह को एक्सप्लेन नहीं करना है, केवल क्या लिखना है, नाम, केवल नाम आदि है, क्लियर। दूसरा, अब इसी क्वेश्चन को चार नंबर में लिखेगा तो आप तो इतना लिख चुके हो, दो नंबर के लिए लिख चुके हो ना, अब आपको सेलेक्ट करना है कुछ जगह, क्लियर, कुछ जगह जिसमें अपन लिख सके। आपको जो याद आता है सीता बेंगरा लिख दो, चंदखुरी लिख दो सब, लेकिन वो कितना लिखो, एक्सप्लेनेशन कितना लिखना है अपन को, दो लाइन, क्लियर जी। और एक लाइन में अपन क्या लिखेंगे, इसका महत्व, इसका क्या धार्मिक सामाजिक या सांस्कृतिक महत्व है, अब इसी क्वेश्चन को पूछा वो आठ नंबर, ठीक है, तब अपन क्या लिखेंगे, राम वन गमन पथ, इसको भी एड करेंगे, क्लियर जी। लेकिन राम वन गमन पथ अपन कितने लाइन में, कितने नंबर में लिखेंगे, दो अंक, तो दो दो और दो कितना हो गया हमारे पास, छह, कितने हो गए हमारे पास, छह। लेकिन अगर हम आठ नंबर में लिख रहे हैं तो ये महत्व वाला लाइन नहीं रहेगा भाई, क्योंकि महत्व जहां लिखे मतलब आप उस आंसर को इनको कंक्लूड कर दिए, उसके बाद आप कुछ नहीं लिख रहे हो, क्लियर। अब देख हमारे पास, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन का लाइन बढ़ा देंगे ना, तो तुरिया में लिख दो ये चीज हुआ वो चीज, तो पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें लिखो। राम वन गमन पथ में हम नौ हिस्से पढ़े हैं ना, तो नौ जगह को लिखो, और सबसे पहली अपन को लिखना है इसका प्रारंभ कब हुआ। राम गमन गमन पथ प्रारंभ हुआ था ना आपके लिए, कब हुआ था आपके लिए, 4 से 9 नवंबर 2021 में, कहां से हुआ था, चंदखुरी से। और अभी आपके लिए राष्ट्रीय रामायण महोत्सव हो रहा है क्या, कब से कब हो रहा है, 1 से 3 जून 2023। अब इसका क्या महत्व है सर, पर्यटन को बढ़ावा, और आपके लिए क्या है, धार्मिक महत्व को बढ़ाना। तो आप ऐसे थोड़ा सा रिलेवेंट आंसर लिखोगे तो आपका आंसर सबसे अलग होगा, ईमानदारी से बताऊं। मैं भी जब आज से एक महीने बाद इसको पढ़ाऊंगा तो मेरे को राष्ट्रीय रामायण महोत्सव याद नहीं आएगा। ठीक है, चलो आईफोन वाले जल्दी खींच लो भाई। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।